टॉपिक चल रहा है वो दुआ जहरा का और जहीर का ही है, और जिसमें जुनैरा महम बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि भी हर छोटा यूट्यूबर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी जुनैरा महम को, कि उन्होंने जो कहा है कि जो छोटा यूट्यूबर, हर छोटा बड़ा यूट्यूबर जो है इस बारे में बात कर रहा है, इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पे है। तो और आप किसी को नहीं रोक सकते, जैसे आप मेहदी अली काजमी के कहने पे नहीं रुक रही और अपने व्यूज़ और अपने लेटेस्ट खबरें जो हैं वो इस बारे में, इस केस के बारे में देती जा रही हैं, आप नहीं रुक रही, ऐसे आप किसी और को भी नहीं रोक सकते। जो मामला सोशल इश्यूज़ पे, सोशल मीडिया पर आ जाता है तो फिर वो हर कोई उस पर बात कर, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका कोई मैटर, जैसे दुआ जहरा ने भी एक इनके ही जुनैरा महम की वीडियो में कहा है कि भाई सब आंटियां और ये सब बातें कह रही हैं जो जिनको हम नहीं भी जानते हैं इस तरह, तो फिर आपको इस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए था। आप इंटरव्यूज़ ना दें फिर इस बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। अब इस हवाले से बात करने थे, जो अभी आपने इंटरव्यू देखा, मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक तरह से एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लड़ाई जो है आप कहें कि चल चुकी है कि दिन रात यही खबरें हैं और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बीच में एक दो इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो दुआ जहरा का जो इंटरव्यू है वो तो मैटर ही नहीं करता। अक्सर यूट्यूबर्स जैसे महरीन सत्तैन हैं वो, और सोहराब, मैंने उनका भी देखा, वो सब गुस्से में भी बहुत है एक तरह से कि जुनैरा महम जो आए दिन वीडियोस और पिक्चर्स वायरल कर देती हैं, दिखा देती हैं, क्योंकि जाहिर है वो एक पीक पे चली गई इस केस की वजह से, तो वो अब उसको अवेल कर रही हैं। अब जहाँ तक बाकी सब यूट्यूब से पहले तो हम कोई भी आपके इस इंटरव्यू को, कोई भी आप जहाँ भी कोई इंटरव्यू देती हैं उसको वो नहीं मानते, कि वो यही कहते हैं कि आपको ट्रैक किया गया, आपको जो सुना सिखाया जा रहा है आपको वो बोलती हैं, इसलिए आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी अगर कि भाई अगर आप ये समझती हैं कि भाई मैं बहुत सही हूँ, एक तो आप, आपकी एजुकेशन नहीं है, आप में उतना शौर भी नहीं है। अगर आपके वालदैन आपको रोक रहे थे बिल्कुल आपके, क्योंकि आपके वालदैन तो इस चीज़ से डिनाई करते हैं कि भाई हमें इस तरह का कोई मामला नहीं पता था या हमें ये बात नहीं पता थी, बिलफर्ज़ हम आपकी बात को फ़र्ज़ करें मान भी लेते हैं कि भाई आपने अपने वालदैन को बताया और इस तरह से सारा उन्होंने रोका, तो आप में एजुकेशन नहीं है, आप में उतना शौर नहीं है जितना आपके वालदैन, आपके पेरेंट्स में है या बाकी सबको जो है वो नज़र आ रहा है, तो आपको किसी वजह से ही वो रोक रहे होंगे। क्योंकि अगर आप कह रही हैं कि वालदैन का फ़र्ज़ है, बच्चे गलती करते हैं और वालदैन का फ़र्ज़ है कि वो उनको माफ़ करते हैं, बेशक माफ़ करते हैं, लेकिन वालदैन बच्चों को रोकते भी हैं, गलत कामों से रोकते भी हैं। तो जब उन्होंने आपको रोका, वालदैन का ये भी काम था ना कि उन्होंने आपको रोकना था, जब उन्होंने रोका तब आप क्यों नहीं रुकी, आपको ये तो बताना बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मेरे वालदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो मेरी खुशी में खुश हो जाएं और मुझे माफ़ कर दें, और आपके वालदैन का ये भी तो था फ़र्ज़ कि उन्होंने आपको रोकना था तो आप रुकी नहीं, एक तो अपना गलत कदम उठाया या उठवाया गया, जिस तरह से भी इस बात को ले लें। अब दुआ जहरा की क्योंकि इंटरव्यू की कोई अहमियत नहीं, तो इस पर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती। ये नापसंद है कि उसका कज़न, उसके घर रहे जो रिश्तेदार है, माँ बाप की मौजूदगी में ही रहता है, तो वो उसको नापसंद है, वो सख्त नफरत करती है उस चीज़ से। और पबजी पे एक गैर लड़के के साथ बातचीत करना और एक गैर लड़के के लिए घर से भाग जाना, वो उसको बहुत पसंद है। यानी वो उसकी तरफ से या जहीर फैमिली की तरफ से जो नुक्ते उठाए जा रहे हैं उनकी मेंटालिटी देखें कि वो क्या बात कर रहे हैं, उसको जो सिखाया जाता है वो बोलती है। अगर वो ख़ुद भी बोल रही है तो उसमें मैं यही कहूँगी कि उसको शौर नहीं है, क्योंकि उसकी एजुकेशन कम्प्लीट नहीं, उसकी एज भी कम है। अगर आप 16-17 कि भी अपने आप को कहती हैं तो भी आप कोई बहुत मैच्योर नहीं होगी, ना ही आपने पूरी ज़िंदगी देखी, एक घर में रहकर एक पबजी गेम खेलकर आपने पूरी ज़िंदगी को नहीं देख लिया, पूरी ज़िंदगी का तजर्बा हासिल नहीं कर लिया, इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं पता जो आपके पेरेंट्स को या बाकी जो आपको बता रहे हैं उनको पता है। तो एक पबजी गेम खेल लेने से किसी के नेचर का या उसकी अदात का अंदाज़ा नहीं हो जाता। अगर आपने जहीर को इन बुनियाद पर, अगर आप 3 साल से भी रिलेशन में आप कहती थी तो 16-17 साल अगर आपकी एज है, तो अब 12 साल की एज में ये सब कुछ शुरू कर दिया, तो अब इतनी छोटी एज में पढ़ने की बजाय, अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के बजाय ये सब कुछ कर रही थी, तो आपके वालदैन, जहाँ आप कहती हैं मेरे वालदैन यहाँ गलत है वहाँ गलत है, तो वहाँ उन्होंने आपको एक ये सहूलत, टैब की सहूलत देकर भी गलती ही की, वो ना आपको देते, ना आप पबजी खेलती, ना ही आप इतना बड़ा कदम उठाती, और ना आप आज इस तरह से हर सोशल मीडिया पर अपने वालदैन के खिलाफ़
जो है वो इंटरव्यू दे रही होती है। और जहाँ तक आप कह रही हैं मैं सुलह की कोशिश कर रही हूँ, तो आप इंस्टाग्राम के ज़रिए, और ज़हीर साहब ये कह रहे हैं हमने उनसे बड़ी ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो आप कॉन्टैक्ट क्या इस तरह गैरों की तरह कर रहे हैं? आपने पूरा आपने पहले किया क्या है आप ये देखें? तो आप जाएँ उनके घर, जाए आपको दुआ को तो अपने घर का रास्ता पता है ना, अपने घर जाए, अपने वालदैन को मनाएं। अगर वो ये कहती मेरी जान को ख़तरा है, मेरी जान को ये, तो जिन्होंने आपको पाला, आपको पैदा किया, और ज़हीर साहब का भी यही कहना है कि जी इसकी जान को ख़तरा है, तो जिन्होंने इसको पैदा किया है, जो इसके पेरेंट्स हैं वही इसको जान से मारेंगे। तो ये दो लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। और जहाँ तक ज़हीर साहब कहते हैं मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे याद है जो आपकी जुनैरा आपी हैं जिसको आप हर इंटरव्यू देते हैं, और वो कह रही थी कि भी ये तो मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं, तो अगर आपने डॉक्टर बनना है तो फिर आप कारोबार कैसे कर सकते हैं? पहले आप ये तो डिसाइड कर लें कि आपने पढ़ना है या कारोबार करना है। तो बहरहाल इस इशू पर अब मैं मज़ीद बात नहीं करूँगी। तो जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि मैंने अभी बेबू जी का भी देखा व्लॉग, वो भी काफ़ी, मुझे लगता है कि ये ज़हीर की चौथी बीवी है ये जो माहम है, ठीक है। मुझे लगता है कि मेहंदी काजमी के साथ तो अब इसने बाद में शादी करनी, पहले ये ज़हीर के साथ रह चुकी है कुछ टाइम, इसलिए इसको सब कुछ इची बिची उसकी पता है, इसीलिए यहाँ पे ये सबकी माँ बनना चाह रही है। छोटे यूट्यूब पर फलाने टमकाने चीखे कह रही निकली, चीखे तो तेरी निकल रही है, हमारी चीज गुस्से में थी, और उन्होंने भी बड़े गुस्से में जो है वो जनरल हमको शटअप कॉल दी है, और मेरे ख्याल में देनी भी चाहिए, क्योंकि हर यूट्यूबर अगर ये कह रहा है तो अगर एक बंदा सही नहीं होता हो सकता, और पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती, पूरी दुनिया इतने ज़्यादा लोग इस बात को गलत कह रहे हैं, तो उसमें से एक बंदा सही नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला हर एक को अपने ज़ुमान में रखे, और मेहंदी अली काज़मी को इस मुश्किल खड़ी से निकाले। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।